भारतीय सिनेमा जगत में अपनी दिलकश अदाओं से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली न जाने कितनी अभिनेत्रियां हुई, लेकिन 40 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री भी थी जिसे ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। आज के सिनेमा प्रेमियों ने शायद उन्हें भुला दिया है, पर हम बात करेंगे आज उस ब्यूटी क्वीन के बारे में जिनका नाम था नसीम बानो। कभी दिल दिल से टकराता तो होगा, कभी दिल दिल से टकराता तो होगा, उन्हें मेरा ख्याल आता तो होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वो सुहाने दिन में। 4 जुलाई 1916 को जन्मी नसीम बानो की परवरिश शाही ढंग से हुई थी और वो स्कूल पढ़ने के लिए पालकी से जाती थी। नसीम बानो की सुंदरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे किसी की नजर ना लगे, इसीलिए उसे पर्दे में रखा जाता था। फिल्म जगत में नसीम बानो का प्रवेश संयोगवश हुआ। एक बार नसीम बानो अपनी स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपनी माँ के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई। फिल्म की शूटिंग देखकर नसीम बानो मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने निश्चय किया कि वह अभिनय को ही अपना करियर बनाएंगी। इधर स्टूडियो में नसीम बानो की सुंदरता को देखकर कई फिल्मकारों ने नसीम बानो के सामने फिल्म अभिनेत्री बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी मां ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि नसीम अभी बच्ची है। साथ ही नसीम की मां नसीम को अभिनेत्री नहीं डॉक्टर बनाना चाहती थी। इसी दौरान फिल्म निर्माता सोहराब मोदी ने फिल्म हैमलेट के लिए बतौर अभिनेत्री नसीम बानो को काम देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार भी नसीम बानो की मां ने इनकार कर दिया। मगर नसीम बानो अपनी जिद पर अड़ गई कि उसे अभिनेत्री बनना ही है। इतना ही नहीं, नसीम ने अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल भी कर दी थी। बाद में नसीम की मां को नसीम बानो की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने नसीम को इस शर्त पर काम करने की इजाज़त दे दी कि वह केवल स्कूल की छुट्टियों के दिन फिल्मों में अभिनय करेंगी। वर्ष 1935 में जब फिल्म हैमलेट प्रदर्शित हुई तो वह सुपर हिट हुई, लेकिन दर्शकों को फिल्म से अधिक पसंद आई नसीम बानो की अदाकारी और सुंदरता। फिल्म हैमलेट की कामयाबी के बाद नसीम बानो की ख्याति पूरे देश में फैल गई। सभी फिल्मकार नसीम को अपनी फिल्म में काम करने की गुजारिश करने लगे। इन सब बातों को देखते हुए नसीम बानो ने स्कूल छोड़ दिया और खुद को सदा के लिए फिल्म इंडस्ट्री में समर्पित कर दिया। फिल्म हैमलेट के बाद नसीम बानो की जो दूसरी फिल्म प्रदर्शित हुई वह थी खान बहादुर। फिल्म के प्रचार के दौरान नसीम बानो को ब्यूटी क्वीन के रूप में प्रचारित किया गया। फिल्म खान बहादुर भी सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद नसीम बानो की एक के बाद एक डाइवोर्स, मीठा जहर और वासंती जैसी कामयाब फिल्मों में प्रदर्शित हुई। वर्ष 1939 में प्रदर्शित फिल्म पुकार नसीम बानो की सिने करियर में अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म में चंद्रमोहन सम्राट जहांगीर की भूमिका में थे, जबकि नसीम बानो ने नूर जहां की भूमिका निभाई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म में नसीम बानो ने अपने सारे गाने खुद ही गाए थे और इसके लिए उन्हें लगभग 2 तक रियाज करना पड़ा था। नसीम बानो का गाया यह गीत जिंदगी का साज भी क्या साज है आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय है। फिल्म पुकार में नसीम बानो को परी चेहरा के रूप में प्रचारित किया गया। फिल्म पुकार की सफलता के बाद नसीम बानो बतौर अभिनेत्री शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। ये कबूतर हमारे लिए रहना, हम अभी आते हैं। हमारे कबूतर और दूसरा दूसरा क्या हुआ? उड़ गया। उड़ गया कैसे? ऐसे। तो
इसके बाद नसीम बानो ने जितनी भी फिल्में की वह सफल रहीं और सभी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय को दर्शकों द्वारा सराहा गया। इस बीच नसीम बानो ने चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। इसी क्रम में नसीम बानो ने फिल्म शीश महल में एक जमींदार की स्वाभिमानी लड़की की भूमिका को भावपूर्ण तरीके से रूपले पर्दे पर पेश किया। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, रूपा ने मुझे बुलाया है। पहले उस भोली लड़की को धोखा दिया और अब उसे बदनाम भी करना चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे उस कुत्ते को आवाज देनी पड़ेगी जो तुम जैसे चोरों को शीश महल से भगाना खूब जानता है। किसे धमकाती हो? बहादुर। इसके अलावा फिल्म उजाला में उन्होंने रंगमंच की अभिनेत्री की भूमिका निभाई, जिसे शास्त्रीय नृत्य और संगीत पसंद है। इसके बाद नसीम बानो ने बेताब, चल रे चल नौजवान, बेगम, चांदनी रात, मुलाकातें और बागी जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए सिने प्रेमियों का मन मोह रखा। 60 के दशक में प्रदर्शित फिल्म अजीब लड़की बतौर अभिनेत्री नसीम बानो के सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बाद नसीम बानो ने अपनी सफलता पूर्वक चल रहे सिने करियर से संन्यास ले लिया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उस समय उनकी पुत्री सायरा बानो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी और अपनी बेटी से नसीम बानो अपनी तुलना नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए नसीम बानो ने निश्चय किया कि वह अपनी बेटी के सिने करियर को सांझने सवरने के लिए अब काम करेंगी। 60 और 70 के दशक में नसीम बानो ने बतौर ड्रेस डिजाइनर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अपनी पुत्री सायरा बानो की अधिकांश फिल्मों में ड्रेस डिजाइन नसीम बानो ने ही किया। इन फिल्मों में अप्रैल फूल, पड़ोसन, झुक गया आसमान, पूरब और पश्चिम, ज्वार भाटा, विक्टोरिया नंबर 203, पॉकेटमार, चैताली बैराग और काला आदमी शामिल हैं। लगभग 4 दशक तक सिने प्रेमियों को अपनी दिलकश अदाओं से दीवाना बनाने वाली सुंदरी नसीम बानो 18 जून 2002 को दुनिया से रुखसत हो गईं। आज के लिए बस इतना ही। नसीम बानो जैसी कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बायोग्राफी देखने के लिए हमारे चैनल वो सुहाने दिन को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।